अस्सलाम वालेकुम सत्श्री अकाल ते नमस्ते संगत जी सब देखने वालों नूं लेंदे ते चढ़दे पंजाब दे वीरां नूं। दोस्तों संगत जी इस समय तुस जिस स्थान का दर्शन करते पाए जे ये गुरद्वारा साहब है या समाध है अंदर जाके मैं देखदा वा फिर मैं उहदे बारे तुहानूं दसांगा। इस तो पहले कि मैं अंदर जावां इस दा तुहानूं मैं दर्शन करावां मैं दसां मैं इस जगह किस जगह ते खलोता आया वां। यह मिंट गुमरी साहिवाल तो अगर आरफवाला आईए आरफवाला भी एक सिटी है साहिवाल और ये सेंटर दे वेच एक छोटा जा अड्डा आता वा उन्हों शबील कहा जाता। शबील दे नाल ही शबील मेन रोड तो एक किलोमीटर या डेढ़ किलोमीटर अंदर एक पिंड 116 9L एदा पुराना नाम कृष्ण नगर सीगा और एदे नाल एक होर पिंड वा उहदा नवां नाम जिहड़ा सीगा 119L नाल दा जिहड़ा पिंड है 117L और उहदा पुराना नाम जिहड़ा सीगा कंगनपुर सीगा इह कृष्णपुर सीगा कंगनपुर सीगा और यह पूरा पिंड जिहड़ा सीगा सिखां दा पिंड सीगा जिहड़े फिर सारे उठ के वीर भरा जिहड़े सीगे चढ़दे पंजाब च चले गए। तो हुण असीं अंदर जाके वेखदे हां अंदर कोई सानूं हो सकदा कोई सानूं लिखिआ मिले तो इहदा इतिहास की है अगर कोई वीर भरा जिहड़ा वा जानदा वा तो वह लाजमी दस्से बाकी मैं फिर अंदर जाके वेखदा कि अंदर की है। उर्दू में लिखा हुआ राधे श्याम हाँ जी संत सरन जोबन परे सोहन उदास हार संत के निदानकार बेहोर बेहोर अवतार हर नाम हर हर नाम जप दिया कुछ ना कहे जमकाल नानक तम ए साखी लिखी है जी गुरु ग्रंथ साहब की उर्दू दे विच साखी लिखी हुई है इधर भी ते एक साखी इधर लिखी हुई है जी यह लिखा है जी हरि नारायण आइए जी आया नू खुश आमदीद मिजाज शरीफ यह भी जिहड़ा जी उर्दू या शाहमुखी दे विच लिखा हुआ वा और जिहड़ा यह साइड ते साखी लिखी हुई है जी ये पोएट्री लिखी हुई है आशे उत्ते लिखा हुआ 786 दे थले लिखा हुआ है आए थे मिसले शबनम सहरे गुलशन कर चले देख माली बाग अपना हम तो अपने घर चले ये शायरी लिखी हुई है जी इत्थे कुछ इत्थे पोएट्री लिखी हुई है कुछ बाणियां लिखिया हुई वा कुछ साखियां लिखिया हुई वा ते यह जड़ा वा ये समाध है।
संगत जी तुसी दर्शन करते पे जे समाध श्री नारायण दी और ये जो पिंड सीगा किशनपुर सीगा 116-9L और तुसी सारा देखा लोकेशन हुण असीं बाहरों जाके पिंड तो होंदे हां कि बाहर पिंड किस तरह का वा और उस तो बाद फिर असीं जाने अगे मिंट गुमरी और उत्थे जिहड़ी समाध आ उहनूं कैप्चर करदे हां फिर उत्थे जाके तुहाडे नाल मुलाकात होएगी। तो फिर लास्ट उपर एक बेनती करदा रिक्वेस्ट है मेरी कि जिहड़े वी वीर भरा देखदे पए ने इस फैमिली की लाजमी हैल्प करो। मेरे पूरे विजिट में जिथे भी मैं जाना रहा बहुत अच्छी अच्छी फैमिली भी मिलती हैं जिन्होंने बहुत तावन मेरे नाल करते हैं बहुत रिस्पैक्ट देते हैं पर यह फैमिली जी है भी बहुत अच्छी और वधिया फैमिली इन्होंने बहुत तावन किया रिस्पैक्ट दी इस करके एज ए ह्यूमैनिटी मैं यही रिपीट करदा कि इन्हों की भी हैल्प की जाए जिहड़े वी वीर भरा सौंदे पए ने। ठीक है तो आ गया दो जी तो आओ बस जरा बाहर चली आओ जी असलाम वालेकुम वीरो वीर जी तुसी सब थोड़ा कि इतिहास दसो कि आ जिहड़ा पिंड वा इहदा हुण की नाम वा ते इहदा पुराना नाम की सी ते नाल दा पिंड किहड़ा वा और इहदी लोकेशन थोड़ी सानूं दसो तुसी जरा। हुण वाला ते इहदा नाम है सर जी भी 116 चक हैगा। हाँ जी हाँ जी पहला इहदा नाम सी कृष्णपुर। ठीक ते इस तों अगे इक पिंड आउंदा हैगा 117 नाल साहिवाल कहा जांदा किन्नी दूर आ किस साइड ते आ उस तो साहिवाल तो 20 किलोमीटर हैगा। हां जी 20 किलोमीटर दे अगे आंदा अड्डा शबील स्टाप आरब वाला रोड हैगा। हां जी हां जी उत्थों 1 किलोमीटर नाल 116 पिंड। ठीक यानी रोड तो मेन रोड तो कोई किलो डेढ़ किलोमीटर अंदर आ बस हटवा यानी रोड दे ऊपर ही हो सकदा। गोबरी तो 20 किलोमीटर दूर। ठीक और सर जी इत्थे जिहड़े ने केड़ी केड़ी आबादी दे लोक होण केड़ी बरादरी दे कास्ट दे लोक इत्थे रहिंदे ने इत्थे सर ज्यादा रहिंदे ने गुज्जर और ब्राह्मणी
सारे उतो ही आए ने चढ़ते पंजाब तो सारे उठ के आए ने पूरा पिंड कहा जाता मैं सुनया कहना कि सारा ये सिखा का पिंड सीगा दो घर छड़ के वो सारे फिर इतों चले गए सी सिर्फ दो घर जिहड़े सी इत्थे रह गए सीगे वो मुस्लिम घर सीगे इधर रहमानी कौम ज्यादा है अच्छा जिनको कुमार कहते हैं कुम्हार जो मटके बनाते हैं ठीक और गुज्जर कौम है सही और कसाई है और जट है ठीक ये कौम है बहुत धन्यवाद ताडा बहुत शुक्रिया जी थैंक्स वीरो ते ऐ जी संगत जी ऐ तुसी देख सकते जे ऐ समाध है गुरुद्वारा नहीं गा जी ए समाध है और बहुत ही सुंदर बनी थी और एक मैं तुहानू दसदा कि ऐ जिहड़ी इत्थे फैमिली रह रही है ना ए इस फैमिली बहुत ही गरीब फैमिली है और अगर कोई वीर भरा जड़ा वा कोई देख रहा वा तो इस फैमिली की अगर कोई हेल्प करना चाहे तो हेल्प कर सकता उन्हों को जिन्ना भी हो सके है ना ए उन्होंने इस जी समाध है या गुरुद्वारा है जो भी तुम समझते जे उन्होंने यदि बहुत सामभ की हुई है जितों तक हो सकया उन्होंने इन संभाल के रखा हुआ वा तो कोई भी वीर भरा जड़ा वा इस फैमिली की हेल्प करो ताकि दो फायदे ने एक तो इस फैमिली की हेल्प होएगी तो दूजा वो एक जड़ा एक इतिहासिक स्थान है पवित्र स्थान है सिख वीर वास्ते भी ये सेवा करनगे केयर करनगे तो इस करके कोई भी वीर भरा जड़ा ना इनू लाजमी इस फैमिली की हेल्प करो ए देखो जी तुसी और बहुत ही वधिया बनया सीगा और क्योंकि यह जी समाध है ये उत्ते वड्डी इट इस्तेमाल हुई है यदा मतलब है कि नानक शाही इटा का इस्तेमाल नहीं कोई ज़्यादा एक पुरानी समाध नहीं है ये 1944 के लगभग की यह समाध बनी हुई है बच्चे इत बच्चा वा दो एक होर यदा भरा वा और एक भैन दो भैन है तो यह सारे मजदूर है जड़े इत्थे रह रहे ने ते सारे जड़े वीर भरावा इन्हों की लाजमी एज ए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी इन्हों की हेल्प बनती है और एक जड़े वीर भरा उधर आ उन्हों का भी बनता है कि वह भी इन्हों की हेल्प कर अच्छा अच्छा हां जी हां जी ते तुसी खाला जी उत्थों केड़े पिंड तो उठ के आए सीगे तुहाडा सोहरा जिहड़ा सीगा उत्थे केड़े पिंड तो सी आए उठ के पिछों हाँ जी हाँ जी नहीं हिंदुस्तान चो केड़े पिंड चो सी पंजाब चो अच्छा ते एदा पुराना नाम की सी इस पिंड दा कोई पता है तुहानू कोई हाँ जी सोलह चक इस तो पहले इहनू ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ ਬਸ ਆਈ ਸੀ ਟੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗੀ ਟੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਡਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਜਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗੀ ਟੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਬੈਠੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ